वेलकम टू द सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी साइमन कमीशन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुमनल अवार्ड। 16 अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड अनाउंस करते हैं एक प्रपोजल ऑन माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है ना, इन्होंने जो ये प्रपोजल किया स्पेशली फॉर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, जिसको कहा जाता है कुमनल अवार्ड। और इस कुमनल अवार्ड की रिकमेंडेशंस देखें, इसकी पहली रिकमेंडेशन ये थी वो डबल द सीट्स इन प्रोवेंसेस प्रोवेंशनल लेजिस्लेचर। प्रोवेंशनल लेजिस्लेचर में जो सीट्स हैं उनको क्या कर दो, डबल कर दो, जहाँ पे 20 है 40 कर दो, जहाँ 30 है वहाँ 60 कर दो। ठीक है ना, पहला प्रोविजन वो डबल द सीट्स इन प्रोवेंशनल लेजिस्लेचर। दूसरा प्रोविजन ये है टू रिटेन द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज को जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, जिसको शुरुआत की थी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में, जिसे मौले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, जहाँ पे मुस्लिम्स को सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया था अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को, जैसे कि सिख्स, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस वगैरह वगैरह। तो इसमें इन्होंने कुमनल अवार्ड में ये रिकमेंड कर दिया कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट माइनॉरिटीज़ को दिया है वो कंटिन्यू चलते रहे। तीसरा प्रोविजन ये है टू ग्रांट द वेटेज टू मुस्लिम्स इन प्रोवेंसेज वेयर दे आर इन माइनॉरिटीज। मुस्लिम्स जिन प्रोवेंसेज में माइनॉरिटीज में हैं उनको वहाँ पर वेटेज आप दे दें। और चौथा प्रोविजन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है इस कुमनल अवार्ड का, इसमें उन्होंने ये बोला कि जो डिप्रेस्ड क्लासेज है हिंदूज में, हिंदू कम्युनिटी में जो डिप्रेस्ड क्लासेज हैं उनको रिकोगनाइज करो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, उनको एक सेपरेट माइनॉरिटी कम्युनिटी मानो, और साथ ही साथ फिर उनको क्या दो, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दो, कि मतलब उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दो और फिर उन रिजर्व सीट्स पर सिर्फ वही माइनॉरिटी कम्युनिटी के ही वोट पोल करें। ठीक है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका क्या है प्रोविजन था कि डिप्रेस्ड क्लासेस को आप माइनॉरिटी कम्युनिटी मान लो और साथ ही साथ उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। गांधी जी ने रिजेक्ट किया स्ट्रांगली ये प्रपोजल, कौन सा वाला, कि जो ये राइट आप सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस्ड क्लासेस, जो डिप्रेस्ड क्लासेस को ये सेपरेट इलेक्टोरेट रिकमेंड कर रहे थे, गांधी जी ने इसको स्ट्रांगली अपोज किया, क्योंकि पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन कम्युनिटी को डिफरेंट अदर कम्युनिटीज में डिवाइड कर रखा था बाय सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब इस एक्ट से, इस कुमनल अवार्ड से, ये हिंदूज को भी डिवाइड कर रहे थे दो हिस्सों में, एक तो अपर क्लास, दूसरा लोअर क्लास, डिप्रेस्ड क्लासेस। तो गांधी जी ने इससे क्या किया, अपोज किया। उस समय गांधी जी थे यरवाडा जेल पूना में और उन्होंने क्या किया, ही टू फास्ट ऑन टू डेथ। अब इसी को चलते हुए एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द लीडर ऑफ कांग्रेस एंड डिप्रेस्ड क्लासेस और कांग्रेस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। कांग्रेस की तरफ से मदन मोहन मालवीय थे और डिप्रेस्ड क्लासेस स्पेशली दलित से थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया, जिसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट, और ये एग्रीमेंट साइन होता है September 25, 1932 में। अब इस पूना पैक्ट में क्या किया, इन्होंने ये किया कि ये जो आइडिया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, इसको इन्होंने अबेंडन कर दिया। ठीक है ना, अब सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस नहीं चलेगा, बट करेंगे क्या कि सीट्स को रिजर्व कर दिया प्रोवेंशनल लेजिस्लेचर में जो सीट्स रिजर्व थी किन के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस को, वो इंक्रीज कर दी इन्होंने फ्रॉम 71 to 148। प्रोवेंशनल लेजिस्लेचर कौंसिल में जो डिप्रेस क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व थी उन्हें इंक्रीज कर दी 71 से 148। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, एम्पीरियल लेजिस्लेचर मीन्स सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी डिप्रेस्ड क्लासेस की 18% सीट्स रिजर्व कर दी। ठीक है ना, 18% सीट्स रिजर्व कर दी सेंट्रल लेजिस्लेचर में, और प्रोवेंशनल लेजिस्लेचर में रिजर्व सीट्स को इंक्रीज कर दिया 71 से 148।